हाँ जी गाड़ी बनाई है, अभी हम बच्चों बना रहे हैं, लेकिन गाड़ी बनाई मैं ये सोचता हूँ कि गाड़ी की शिक्षा देने में मैं ऐसा समझता हूँ गाड़ी में काम का होती है, और जो अभी होती है जो पढ़ा रही है वो उसकी क्या उसकी वो गाड़ी पढ़ाई मैं ऐसा सोचता हूँ क्या और कोई क्या दादली पढ़ाई माने विविचारी पढ़ाई, विविचार में ले जाने वाली पढ़ाई, और गाडली पढ़ाई माने अब विविचारी बनाने वाली पढ़ाई। अब वो चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां विविचारी बनाने वाली हो और चाहे सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं उनको विविचारी बनाने वाली हो, ईश्वरी ज्ञान तो बेसिक नॉलेज में भी है। जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में दिया जाता है, और ईश्वरी ज्ञान एडवांस नॉलेज में भी है, परंतु यहाँ खास सिखाया जाता है कि स्त्री पुरुष बैठ करके जाति जाति के स्त्री पुरुषों से दृष्टि का लेन देन करें, बल दृष्टि श्रेष्ठ इंद्रिय है, आंखें श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ अंगों में गिनी जाती है, परंतु उन आंखों से पार्क बजाने वाली जो आत्मा है वो तमो प्रधान भ्रष्ट है या श्रेष्ठ है। तो तलवार चाहे जितनी तीखी और कीमती क्यों न हो, चलाने वाले के ऊपर उसका मदार है। चलाने वाला अच्छी तलवार चलाना जानता होगा तो अच्छा रिजल्ट निकालेगा, विजय प्राप्त करावेगा, और अगर तलवार चलाना ही नहीं जानता तो अपना ही गला काट देगा, अपने मित्र संबंधियों का ही गला काट देगा। ऐसे ये आंखें हैं, ये बहुत तीखी कटारी है, इन आंखों के लिए बोला है आंखें बहुत धोखा देने वाली है। क्यों? आत्मा तमो प्रधान बन गई है इसलिए धोखा देने वाली है। और जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया में वो सब धोखेबाज हैं, या कोई ऐसे भी हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देते? बाप तो बच्चों के लिए भी बोला हुआ है कि मेरी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे आंखों से 10-20-50 भूले तो रोज ही करते होंगे। भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल है तो दुनिया का क्या हाल होगा? तो बाप कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं गॉडली पढ़ाई, और दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पढ़ाते हैं डॉगली पढ़ाई। उस पढ़ाई में एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। कोई थ्योरी में भले पास हो जाए, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो उसे फेल माना जाता है या पास माना जाता है? फेल ही कहा जाएगा। तो ये भी पढ़ाई मन बुद्धि के वाइब्रेशन को संभालने वाली पढ़ाई है, गॉडली पढ़ाई। फिर दृष्टि वृत्ति को सुधारने वाली पढ़ाई है,
श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों को स्थिर बनाने वाली पढ़ाई है और फिर अंत में कर्मेंद्रियों को भी स्थिर करने वाली पढ़ाई है। कर्मेंद्रियां भी शीतल बन जाती हैं, इतनी शीतल बन जाती है कि जैसे देवताओं के लिए कहा गया है फिर कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसा पार्ट बजाने वाले बच्चे ब्राह्मण बच्चे बन जाएंगे। काम का आवेग, क्रोध का आवेग, कोई भी प्रकार का बाहुबल या तोड़फोड़ नहीं करेगा। ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाने वाला गॉडली गॉड फादर आया हुआ है। वो भारतीय पढ़ाई पढ़ाता है शुद्ध, भारतीयता की विशेष निशानी ये है कि यहाँ भारत में पवित्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। पवित्रता में भी अव्यभिचारी व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। अव्यभिचारी इंद्रियां बने, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, विचार से ही रावण राज्य पैदा होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में देवताओं की दुनिया में सुख नहीं भोगते थे, सुख तो भोगते थे लेकिन स्त्री पुरुष की दृष्टि विविचारी नहीं होती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। ऐसी अविविचारी शक्ति की स्थापना भगवान बाप करके जाते, कोई प्रकार का दुख दर्द पैदा नहीं होता। जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो इंद्रियों का व्यभिचार शुरू हो गया कि जो भी विदेशी है, इब्राहिम हो इस्लामियों के बाप, क्रिश्चियंस हो क्राइस्ट, बुद्ध हो बौद्धियों के बाप, ये सब यादव संप्रदाय हैं। भरपूर आंखों की शराब पीने और पिलाने वाले हैं, बड़े बड़े महल मानियां अटारियों वाले हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े मान मर्तबे वाले हैं, ये सब भी विचार फैलाने वाले साबित हो गए। विदेशों में कन्याओं माताओं को विविचारी बनाने वालों को, विविचारी होने वालों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम दिया जाता है। समझते हैं हमारी जनरेशन बढ़ेगी, भले कुत्ते बिल्ली पैदा होते रहे। बाप बताते हैं बच्चे शेर जैसी एक पैदाइश होनी चाहिए। शेर क्या करता है, एक शेर से एक ही शेर पैदा होता है। हमारे भारत का कोट ऑफ आर्म निशानी क्या है, तीन शेर दिखाए जाते हैं। ये तीन शेर ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार है। इन्होंने इस संसार रूपी जंगल में ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारी थी जो सारी दुनिया पलट गई थी। यादगार में झंडा बनाया है तीन रंग के कपड़ों का, कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र को कहा जाता है। कोई तीन शरीर रूपी वस्त्र चैतन्य में थे इस दुनिया में, खास भारतवासी
जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी, तो झंडा का गान गाते रहते हैं। क्या? विश्व विजय करके दिखलावे। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा क्या? कपड़े के झंडे की पहचान होगी क्या? कपड़े का झंडा नाम वाला करेगा, नाम बुलंद करेगा कि कोई मनुष्य आत्माएं हैं जो भारत का नाम बुलंद करेंगी? एक कपड़े का झंडा ऊंचा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कौन सा झंडा ऊंचा करना है? त्रिमूर्ति बाप का झंडा ऊंचा करना है। बाप तीन मूर्तियों में आया हुआ है, तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य कराता है, कोई के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा वाचा का पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा दृष्टि और वाचा दोनों का पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है। तो वो बाप तीन मूर्तियों के द्वारा अभी प्रत्यक्ष हो रहा है। तीनों ही मूर्तियां नई सृष्टि की स्थापना में, पालना में और पुरानी सृष्टि के विनाश के कार्य में विशेष सहयोगी बनती है। जागली पढ़ाई का अंत कराती है और गॉडली पढ़ाई का नाम दुनिया में बाला हो जाता है। ऐसा भी टाइम आने वाला है जो दुनिया में सब धंधे नष्ट हो जाएंगे। अभी भी देखा जा रहा है सब धंधों में है नुकसान, एक ही ईश्वरीय धंधा ही दुनिया में कायम रहेगा। और उस एक ईश्वरीय धंधे से ही ऐसी नई दुनिया कायम हो जाएगी जहां देवताओं को कोई भी धंधा नहीं करना पड़ेगा पेट के लिए। देवताओं की प्रकृति ऐसी बन जाएगी, ऐसा स्वभाव संस्कार बन जाएगा कि सारी प्रकृति सतोप्रधान बन जाएगी, सब कुछ मुहैया करावेगी, प्रकृति दासी बन जाएगी। कितनी बड़ी आत्मिक शांति होगी। ऐसी साइंस, ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं सकता। और लेकिन जो मांगा है ना दुर्दक्षिणा के रूप में, ये हमारा जो आत्मिक स्थिति हमेशा माना आपका याद कर वो अंग का मांगने में वास्तविक स्थिति को निकाल दिया। द्रोणाचार्य दुनियावी गुरुओं का मिसाल है या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने वाला गुरु है? दुनिया में जो भी गुरु हैं, उन गुरुओं का एक उदाहरण द्रोणाचार्य रखा गया है। द्रोण माने घड़ा, ज्ञान का घड़ा है। ज्ञान घड़े का आचार्य है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाला नहीं है। रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। बड़ा विद्वान प्रकंड आचार्य था, प्रैक्टिकल जीवन में क्या करता था? क्या करता था? पराई स्त्री पर आंख डालता था। तो रावण का पार्ट हुआ ना, विभिचारी बनने बनाने वाले का पार्ट हुआ ना। द्रोणाचार्य भी अपने बच्चे को जास्ती पढ़ाई पढ़ाना चाह पढ़ाते थे या पार्सलिटी वाले नहीं थे? सिर्फ प्यार ज्यादा करने से क्या होता है? प्रैक्टिकल में
सहयोग किसको दिया? अर्जुन को सहयोग दिया प्रैक्टिकल में या कौरवों को सहयोग दिया? तो प्रैक्टिकल जीवन देखा जाता है या सिर्फ वाचा देखी जाती है? तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के साथ ये पार्शियलिटी कर दी। शिष्य तो मान लिया परंतु पार्शियलिटी करी। क्या पार्शियलिटी करी? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाला एकलव्य बना उसका अंगूठा काट लिया। शास्त्रों में आत्मा को ही अंगूठाकार बताया गया। एकलव्य ब्राह्मण की दुनिया में एक को प्यार करने वाला वो पार्ट कौन सा है? शास्त्रों में वो क्या नाम से प्रसिद्ध है? वो बाप राम बाप कहा जाता है। राम वाली आत्मा का ये पार्ट है क्या? एक को प्यार करता है। चाहे स्थापना का पार्ट हो, चाहे विष्णु के रूप में पालना का पार्ट हो, चाहे विनाश का पार्ट हो, एक का जैसा इशारा मिलेगा वैसा ही पार्ट बजावेगा। राम वाली आत्मा का ये पार्ट उधा हुआ है क्या? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट भी बजाता है, नारायण बन जाता है, जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानी नहीं है, वो ही राम वाली आत्मा एक दम अंत में रावण भी बन जाती है। तो जो देह अभिमानी रावण बनेगा उसका आत्मा रूपी अंगूठा रहेगा या कट गया होगा? कटा हुआ होता है। देह अभिमानी बनकर के ही दुनिया का विनाश हो सकता है। इम्प्योरिटी से होता है दुनिया का विनाश और प्योरिटी से होती है नई दुनिया की स्थापना। तो आत्मा रूपी अंगूठा द्रोण ने काट लिया, ये पार्शियलिटी करी, परंतु वो भी ड्रामा में कल्याणकारी है। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है। बाप कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। और राम वाली आत्मा के लिए तो ऐसे ही बोला हुआ है, वो तो सारी सृष्टि का बीज है। सारी सृष्टि की हर आत्मा के अंदर जो पार्ट नुदा हुआ है वो पार्ट बीज में होगा तब दुनिया में होगा, या बीज में नहीं होगा तो दुनिया में हो सकता है? हर बात बीज में होगी। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। माना हर पार्टधारी का पार्ट राम वाली आत्मा में लागू होता है। 84 लाख योनियों का ही पार्ट क्यों ना हो तो भी वो पार्ट और आत्माएं चाहे बजाएं ना बजाएं, वो एक आत्मा 84 लाख योनियों का भी पार्ट बजाने वाली है। 84 लाख योनियों में जाति नहीं है, लेकिन पार्ट पार्ट प्ले करती है। और हाँ जी, मुझे ज्ञानी को आत्मा सही लगता है और ब्रह्मा को एक तरफ बच्चा बच्चे कहा जाता है, देवी मूर्ति कहा जाता है। लेकिन अब पहला बंदा तो ज्यादा प्यार करते हैं, अब बाप दादा तो बच्चों बाप दादा को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाप दादा कभी भी कवरेज नहीं होता। अरे पहले बच्चे का भी बाप कौन है? राम बाप। राम बाप ही तो पहले बच्चे का बाप है। तो दुनिया में ऐसा कौन आदमी होता होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करता हो
और पहलौटी के बच्चे को तो बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन वो तो बच्चा बुद्धि भले बच्चा बुद्धि है, सब जानते हैं छोटा बच्चा पैदा होता है तो सालिम बुद्धि सगीर बुद्धि होगा या बच्चा बुद्धि होगा, तो बच्चा ही बुद्धि होगा। और भाई बहन है, लेकिन माँ कहते हैं तो भाई बहन की समझ में माया भाई भाई, लेकिन हमारा तो एक गलती है ना बाबा, तो माँ बाप और बच्चे ये समझ में सकती नहीं कहीं भी बचेगी, हम जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं तो हमारे लिए ऊंचे ऊंचे धाम सुख धाम है या परम धाम है, तो हम कौन सी स्थिति में रहते हैं, परमधामी स्टेज में रहते हैं। ये परमधामी स्टेज ये बताती है कि जब तक आत्मा आत्मा भाई भाई परमधामी स्टेज वाले नहीं बनेंगे तब तक सुखधाम में आने वाले नहीं बन सकते, पहले बाप के घर का बच्चा बनना पड़े। रुद्रमाला का मणका सारी दुनिया बनेगी या कोई आत्मा मनुष्य आत्मा ऐसी भी होगी जो रुद्रमाला का मणका न बने, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब रुद्रमाला के मणके हैं, नंबर वार पुरुषार्थ संसार, तो सब भाई भाई बनेंगे पहले या पहले भाई बहन बनेंगे। पहला लक्ष्य हमारा है आत्मा आत्मा भाई भाई, बाद में सुखधाम आवेंगे, इसलिए ऊंचे से ऊंचे धाम परम धाम गाया हुआ है, सुख धाम नहीं गाया हुआ है। संगम युग में भी जब हम लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे या संगम युगी लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे, है संगम युगी लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे, और संगम युगी लक्ष्मी नारायण की जो प्रवृत्ति है वो बुद्धि का जो वाइब्रेशन है वो भाई का बहन की तरफ जाएगा, नारायण का नारायणी की तरफ वाइब्रेशन जाएगा, या नारायणी का नारायण की तरफ वाइब्रेशन जाएगा या परमधाम में जाएगा, उनका वाइब्रेशन कहाँ आकर्षित करने वाला होगा। आपस में राधा कृष्ण की तरफ तो एक दूसरे का वाइब्रेशन खींचने वाला नहीं होगा, जो वाइब्रेशन होगा जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण में सतयुग में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, ऐसा वाइब्रेशन भाई बहन की तरफ खींचने वाला तो नहीं होगा संगम युग में। वाइब्रेशन संगम युग में होगा नहीं, ऊंचे ऊंचे भाई बहन भी नहीं, वहाँ तो वाइब्रेशन ही ऐसा होगा आत्मा आत्मा भाई भाई एक दूसरे के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं, एक बार दूसरा न कोई, जो वाइब्रेशन होगा बिल्कुल शुद्ध होगा, एकदम नीचे गिरने वाली दुनिया का वाइब्रेशन नहीं होगा। सतयुग में जो वाइब्रेशन होंगे राधा कृष्ण के वो नीचे गिरने वाले होंगे, गिराने वाले होंगे या ऊपर उठाने वाले होंगे, 16 कला से 15 कला बनने वाले वाइब्रेशन होंगे, चढ़ती कला के वाइब्रेशन नहीं होंगे। इसलिए भाई बहन ये ऊंची स्टेज नहीं है, भाई भाई की स्टेज ये ऊंची स्टेज है।
बहुत ऊंची चाड़ी है, जो ऐसी ऊंची चाड़ी चढ़ेंगे वो ही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। हाँ जी, अभी जगदम्बा जो प्रभाव में ऐसा बाप एक कारण जगदम्बा को गलत नहीं है, जगदम्बा को ये गलत नहीं है, उसको प्रभाव में जिन्होंने देखा है उसका दर्द जरूर होना है, जरूर ज्यादा दर्द होना है, लेकिन जो हम हमारा आकर्ष होगा आपको ध्यान दिया, हमारा आकर्ष है ना, तो अगर क्या सकते हैं क्या हम ही उसको जगदम्बा को भी शिक्षा मिलाएगा। जगदम्बा की ओर जिनकी बुद्धि आकर्षित हो रही है बाप के मुकाबले ज्यादा, उनको मुरली में रावण संप्रदाय बोला है या राम संप्रदाय बोला है? जिनकी बुद्धि जगदम्बा की बातों को ज्यादा सच्चा मानेगी वो साबित हो जाएंगे ये राक्षस संप्रदाय हैं, और उन्हीं का विनाश करेगी जगदम्बा महाकाली रूप धारण करके। वंडरफुल पार्ट है, कुछ समय तक इसके प्रभाव में रहेगा। हाँ जी, पृथ्वी अपनी धुरी चेंज करेगी, ऐसे नहीं पृथ्वी माता आसुरों का ही सपोर्ट करती रहेगी, अभी पृथ्वी माता किसको सपोर्ट दे रही है ज्यादा? भारत को सपोर्ट दे रही है या विदेशियों को सपोर्ट कर रही है? ये धुरी चेंज हो जाएगी। है करण करावन हार कौन गाया हुआ है? तो करण हार भी है तो करावन हार भी है, नहीं तो शंकर की छाती पर महाकाली पांव रखती है, विरोध करना चाहिए ना, क्यों नहीं विरोध करता है? अरे भगवान ज्यादा पावरफुल है या भगवती ज्यादा पावरफुल है? हैं? फिर वो पांव के नीचे पड़ा क्यों हुआ है चुपचाप? कुछ कल्याण है, उस कल्याण को जानना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए कहावत भी है रचयिता बाप को पहचाना जा सकता है लेकिन रचना को पहचानना बहुत मुश्किल है। विदेहु ने नारे हृदय गति जानी, महाकाली को शंकर के छाती पर पांव दिखाते हैं लेकिन मस्तक में मूर्ति शंकर की दिखाते हैं, तो अंदर से याद कौन है? बाप की याद भरी हुई है, वो नहीं निकल सकती। जो छाप पड़ गई वो छाप पड़ गई, और त्रिशूल का अर्थ है तीन शूलों का ज्ञान, तीन प्रकार का ज्ञान है ब्रह्मा का ज्ञान, ये एक कांटा है एक बाण है, विष्णु का ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है, शंकर का ज्ञान ये तीसरे प्रकार का बाण है, ये तीनों प्रकार के शूल त्रिशूल में दिखाए गए हैं। ये हाथ की बात नहीं है,
बुद्ध रूपी हाथ की बात है, जिसके बुद्ध रूपी हाथ में तीनों मूर्तियों का ज्ञान भरा हुआ है, वो है त्रिशूली हाथ। हाथ में बुद्ध रूपी हाथ में जरे इसके सदैव त्रिशूल रहता है, और डमरू बंधा रहता है। डमरू एक तरफ नहीं बजता है, दोनों तरफ बजता है। वो तो वंडरफुल पार्ट है, दाएं वालों को भी संतुष्ट कर देगा जो भारतवासी हैं, और बाईं ओर वाले वाम मार्गियों को भी संतुष्ट कर देगा, असुरों को भी वो ज्ञान संतुष्ट करता है। शंकर ऐसा ज्ञान सुनाता है कि सारे विश्व का पिता साबित हो जाता है, सब उसे मानते हैं। विष्णु को सिर्फ देवताएं मानते हैं और शंकर को देवताएं भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं, विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि भी शंकर को मानते हैं। तो एक तरफा ज्ञान नहीं सुनाता है, दोनों तरफ बजता है। जैसी जैसी आत्मा वैसा वैसा ज्ञान सुनाई देते हैं। और मतलब 33 और 25 35 years plus 25 years कितने साल हुए? 60 years हो गए। तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? जब संगम युग पूरा होगा तो पूरी राजधानी एक तरफ स्थापन होगी और पूरा ही विनाश भी दुनिया का हो जाएगा। स्थापना भी हो जाएगी, पालना भी हो जाएगी परिपूर्ण, और विनाश भी हो जाएगा परिपूर्ण। और चैतन्य की बात है, जो चैतन्य में बात लागू होती है वो बेहद में भी लागू होती है, हद में भी लागू होती है। चैतन्य दिल्ली के लिए जो बात लागू होगी वो जड़ दिल्ली के लिए भी लागू होगी। पहले चैतन्य में सुधार आएगा या पहले जड़ में सुधार आएगा? तो चैतन्य दिल्ली पहले सुधरती है और जड़ दिल्ली बाद में सुधरती है। चैतन्य दिल्ली पहले कब्रिस्तान तो परिस्तान, और जड़ दिल्ली बाद में कब्रिस्तान तो परिस्तान बनती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मुसलमानों का शब्द है,
फरिश्तान, अंग्रेजों में पैराडाइज कहा जाता है। हाँ जी, परियों का स्थान, जो ज्ञान की परियां हैं। इंद्र की सभा में कितनी परियां गाई हुई हैं? हैं? तीन परियां विशेष गाई हुई, रम्भा, उर्वशी और मेनका। जैसे नाम है वैसे उनके काम है। तो परिस्थान नाम गाया हुआ है, ज्ञान की परियां हैं, ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहती है। इसलिए नाम परिस्थान गाया हुआ है। और वहाँ अनुशासनहीनता के कारण उनको राजनीति पर बिठाया। जब अनुशासनहीनता होती है दूसरा दुख और अशांति का मिश्रण होना चाहिए। हाँ जी, तो दो कलाएं कम दिखाई गई ना। लेकिन प्रतिक्रिया में ना दुखों और अशांति का ना मिश्रण नहीं होती। ऐसा होता है, कभी कोई चीज अंश मात्र होती है तो देखने में नहीं आती है। ऐसे ही वहाँ दो कला अनुशासनहीनता हो गई तो देखने में नहीं आती है। 76 में देखने वाले को देखने में पहले आ गया कि ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में रावण राज्य चल रहा है। सबको देखने में आ गया क्या? क्यों नहीं आ गया? क्योंकि रावण राज्य 100% स्टेज में नहीं था और अभी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। सबको देखने में आ रहा है। जो बेसिक में चलने वाले बड़े बड़े धुरंधर हैं, फॉलोअर, वो भी आगे चल के कहेंगे ये रावण राज्य है। दुनिया में रावण राज्य नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य है। अभी तो मुट्ठी भर एडवांस पार्टी के लोग कहते हैं। तो थोड़ी चीज देखने में नहीं आती है। जब उसका प्रमाण बढ़ गया, 8 कला हो गया, तो देखने वाले देखते हैं। व्यास पहले देख लेता है, सबकी नजर में तो नहीं आता। व्यास ने जो द्वापर के आदि में शास्त्र लिखे, वो शास्त्र भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। सच्चाई थी, उनकी आंखों ने सच्चाई को देखा तो पता चला कि ये दुख की दुनिया है, सुख की दुनिया नहीं है। और एक प्रश्न, वो अंश मात्र तो जो सतयुग का पहला जन्म है, उस पहले जन्म में गिरती कला अंश मात्र है या नहीं है? है। उस गिरती कला को, अंश मात्र को सब ने देख लिया या पहले कोई एक देखता है? एक देखता है कि राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, ये डूबना ये अंश मात्र पवित्रता है।
ये सुख भोगने की प्रवृत्ति है, इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, चाहे वो इंद्रियां सूक्ष्म हो और चाहे वो इंद्रियां स्थूल हो। स्थूल सुख ज्यादा पाप बनाता है और सूक्ष्म सुख पाप बनाता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे गिरती कला है ही नहीं, लेकिन है ही नहीं तो कला कैसे कम हो जाती है। सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, इसलिए अभी ऐसी स्टेज बनानी है। आँखों का जो सूक्ष्म सुख हर कहीं मिलता है वो भी नहीं लेना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो चर्ची कला बनी रहेगी। अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी को देखना भी पड़ता है तो भी कौन याद रहे, एक शिव बाबा याद रहे, तो उतना पतन नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस होगी याद की उतनी पतन से बच जाएंगे। हाँ जी, एक प्रश्न आया है, शंकर के मंदिर ज्यादातर उत्तर प्रदेश में देखने में आते हैं और दक्षिण भारत में शिवलिंग के मंदिर ज्यादा देखने में आते हैं, इसका क्या राज है? जो विदेशी है वो निराकार को याद करने वाले हैं और स्वदेशी साकार में निराकार को याद करने वाले हैं। ज्यादा बुद्धि तीखी किसकी होती है? तीखी बुद्धि होने के कारण विदेशी बाप को पहचान लेते हैं और विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, और साकार को याद करने वाले उतने तीखी बुद्धि नहीं होते हैं, भावना ज्यादा होती है। लेकिन बाप किसको पसंद करता है? बुद्धिमानों का बाप को बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धिमानों को ज्यादा पसंद करता है, जो बुद्धि के अहंकार वाले होते हैं एटम बम बनाने वाले, या दिल वालों को पसंद करता है। दिल वाले बच्चे ही तन मन धन से पूरे स्वाहा हो पाते हैं, जो दिमाग वाले हैं वो तन मन धन से पूरे स्वाहा नहीं हो पाते। इसलिए दक्षिण भारत में शिवलिंग निराकार की याद ज्यादा है, क्योंकि बोला हुआ है दक्षिण भारत है भारत का विदेश, उत्तर भारत को विदेश नहीं कहेंगे। भगवान विदेश में आता है या भारत में आता है? उत्तर भारत में आता है या दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष होता है? उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन प्रत्यक्ष करने के निमित्त कौन बनते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, लेकिन विदेशी आत्मा होती है या विदेशी शरीर होता है? हम बच्चे आत्मा हैं या शरीर हैं? हम तो आत्मा हैं, हम कोई विदेशी नहीं हैं। ये बात जो कहते हैं कि बाबा ने हमको विदेशी बता दिया, वो देवान में बोलते हैं या आत्माभिमान में बोलते हैं? अरे आत्मा ने तो 84 जन्म पता नहीं कहाँ के कहाँ लिए, ये पक्का है कि दक्षिण भारत में ही जन्म लिए? उत्तर भारत में जन्म लिया है, इसलिए ज्ञान को गहराई से पकड़ा है। विदेशी उतना ज्ञान को गहराई से नहीं पकड़ते हैं। टाइम हो गया।
संगम युग में जो सन्यासी बैठे हुए हैं सफेद कपड़े वाले, वो यही सिखाते हैं कि भगवान बाप जिस लिंग में आता है, लिंग रूप शरीर में आता है, उसको तुम मत पूजा करो। पूजा ही करनी है तो हमारी पूजा करो। हाँ, सूरज को भक्ति मार्ग में सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूरज को सूर्य नमस्कार करते हैं, सूरज के हाथ जोड़ते हैं, ये यादगार कहाँ की है? कैसे शिव बाप जब आते हैं तो सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं। जिस सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं वो ही ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा जब बेसिक नॉलेज में आती है तो ब्रह्मा कुमारियां बैठ करके उसको बेसिक ज्ञान का जल चढ़ाती है। उसके साथ बुद्ध रूपी हाथ जोड़ना चाहती है। परंतु ऐसा हो सकता है क्या? जो सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला है उसको ज्ञान कौन देगा? कौन कन्विंस करेगा? हाँ, सर को कितनी बार खल छोड़ता है? 3-4 बार खल सर पर खल छोड़ता है। जो सर्प जैसा विकारी पार्ट बजाने वाले जन्म जन्मांतर के रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी जब मनसा से शूटिंग होती है 4 युगों की, तो 4 युगों की शूटिंग में 4 बार देवान की खल छोड़ते हैं। 4th बार में जाकर के उनकी बुद्धि ठिकाने लगती है। ऐसे ही जो स्थूल शरीर है 5 तत्वों का, वो भी 4 बार शूटिंग करता है। हाँ जी, मुरली में बाबा ने बुलाया है। हाँ, कर्मतीत अवस्था आधी हो जाए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, कब के लिए बोला है? कब के लिए बोला है? जब कर्मतीत अवस्था हो जाए। शरीर छोड़ना बाबा सिखाते हैं या देवभान छोड़ना सिखाते हैं? दो तरह से होगा। कोई तो देवभान छोड़ेंगे माने मर गए, जीते जी मर गए, और कोई शरीर छोड़ करके मरेंगे। कौन सा अच्छा है? देवभान को छोड़ेंगे, उन्होंने ही वास्तव में कर्मातीत अवस्था को पाया है। कर्म भी करते रहे और कर्म से बुद्धि अटैच न हो, डिटैच बनी रहे। कोई कर्म करते हैं ना, कोई का संग करते हैं ना, कोई के संग के रंग में आते हैं ना, तो वो याद आता रहता है कि नहीं? लेकिन 1 सेकंड भी याद ना आए फिर संग में आए, परंतु याद उसकी ना आए, उसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म तो किया,
लेकिन कर्म का अटैचमेंट बिल्कुल नहीं लगा, ऐसी याद में, गहरी याद में रहा। ये मन की गति है, मन अगर दूसरी तरफ लगा हुआ है और कोई कारखाने में काम कर रहा है या कोई जा रहा है, रास्ते में चलते चलते मन दूसरी ओर लगा हुआ है, महबूबा की याद में लगा हुआ है, और बाद में उससे कोई पूछता है तुम्हारे सामने से कौन कौन लोग गुजर गए, तो उसको पता ही नहीं पड़ता। जब पता ही नहीं है तो याद किसकी आएगी? नहीं तो आँखों का ये हिसाब है कि आँखें जिसको देखती हैं उसकी याद जरूर आती है, ऐसे ही और इंद्रियों का हिसाब है, चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो और चाहे वो श्रेष्ठ इंद्रियां हो, जिसका भी संग करेंगी, अटैचमेंट पूर्वक अगर संग करेंगी तो याद जरूर आएगा, और डिटैच होकर शिव बाबा की याद में संग करेंगी तो याद आवेगा ही नहीं। हर चीज का चार संग अवस्थाओं से प्रसार होता है। हाँ जी, चार अवस्थाओं से प्रसार होता है, तो संगम पर ये लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण और ये कैसे कैसे भगवान के बने? क्यों, ब्रह्मा की आत्मा संगम युग में चार अवस्थाओं से पसार नहीं होती है? तमो प्रधान बनती है कि नहीं? अगर तमो प्रधान नहीं बनती है तो हार्ट फेल कैसे होता है? राजयोगी का तो कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, ऐसे मुरलीन बोला। प्रजापिता वाली आत्मा भी संक्षेत्र से बाप उसके तन में प्रत्यक्ष होता है, चार युगों की शूटिंग चलती है, चारों युगों की शूटिंग में सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो ये चार अवस्थाओं से ज्ञान गुजरता है या नहीं गुजरता है? दुनिया की कोई भी चीज क्यों न हो, शूटिंग पीरियड ही क्यों न हो, चार अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ता है। शिव बाबा की रात्रि, जिस रात्रि में शिव बाबा आता है, आता है माने संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। एक तो मन बुद्धि में आता है, जैसे सन 76 में आया तो मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ या संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ? मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ। जैसे कोई आत्मा गर्भ में आती है तो गर्भ में आती है या संसार के सामने आती है? गर्भ में आती है। तो संक्षेप्तर वो गुप्त प्रवेश की बात है, सबको पता नहीं चलता, जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं बुद्धिवादी हैं वो ही पहचान पाती। और जब बच्चा जन्म लेता है तो सबको पता चल जाता है। ऐसे ही भगवान बाप शिव जब संसार में सबके सामने प्रत्यक्ष होगा तो फिर गुप्त नहीं रहेगा, सब कहेंगे कि भगवान बाप आ गया।
ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे कि बाप आ गया, सारी दुनिया मानेगी कि भगवान इस शक्ति पर आ गया। उसको कहेंगे शिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। वो कृष्ण के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है बाद में बच्चे के रूप में, सन 76 में बच्चे के रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता है। सन 76 का टाइम वो टाइम है जब सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार भी अज्ञान अंधकार में आ जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं कि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। सन 76 हुआ रात्रि के 12 बजे, दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना और ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना। माताएं हैं, हाँ, यज्ञ के आज में, यज्ञ के आज जैसे 300-400 कन्याओं माताओं को बंधन पड़ा हुआ था, सात सात तालों के अंदर रखी गई और उनको बाबा के पास कराची में नहीं जाने दिया गया। अटूट बंधन रहा। जब कर्म बंधन खलास हुआ तो ऐसा माहौल बन गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई और अपनी अपनी भगदड़ पड़ गई। बंधन डालने वाले भूल गए कि इनको बंधन में रखना है, अपने साथ लेना है, छोड़ के भाग गए। ऐसे ही फिर अभी ऐसे ही होगा। जिन बांधेली माताओं को बहुत बंधन है, बंधन में डालने वालों का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। है? शिव बाबा सच्चा है, यह कृष्ण की आत्मा सच्ची है। शिव तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता और कृष्ण की आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है। तो जो जन्म मरण के चक्र में आती है वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है या याद रखती है? पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है, तो सच्ची बात कहाँ से बताएगा? अच्छे बाबा वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, तो इसलिए कुछ भी भूलता ही नहीं। वो तो जो कुछ बताएगा वो सब सच्चा ही सच्चा बताएगा। वो आता है तो सच्चा ज्ञान सुनाकर सच खंड की स्थापना करता है। रामकृष्ण की आत्मा है तो 84 जन्मों इसी सृष्टि पर रहती है, फिर भी दुनिया नरक बनती जाती है, नीचे गिरती जाती है,
यह सचखंड बनती है, नरक बनती जाती है, झूठ से होता है नरक। राम और कृष्ण दोनों झूठे बन जाते हैं। है दूसरी बुजुर्ग माताएं वहाँ मौजूद हैं तो कर सकती है, और दूसरी बुजुर्ग माताएं वहाँ मौजूद नहीं है तो कंपिल में तो क्या, कहीं भी बाहर की दुनिया में निकल करके सर्विस नहीं करना चाहिए कम उम्र की माताओं को। दुनिया बड़ी गंदी है, अपनी संभाल अपने आप ही करनी है। बाबा जैसे एक वाणी बोले कि बाबा ही संसार है, हाँ तो क्या हुआ, जो आत्माएं 84 जन्म लगातार बाबा के साथ रही होंगी उनको बाबा ही संसार दिखाई पड़ेगा कि कोई दूसरी आत्मा संसार दिखाई पड़ेगी, उन्हीं के लिए बोला है। दिल्ली का क्लास संगठन के सभी क्लास में जा सकते हैं, बाबा के क्लास में नहीं आना चाहिए। अच्छा टाइम हो गया।